हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद फैज़ान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल होली कुरान दुआ। तो दोस्तों, पहला इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।